आपके घर वापस नहीं जा रही। कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, उसकी सारी शराइत पूरी हो गई है, आपकी मॉम को किडनी मिल चुकी है, तो मेरे घर आप तलाक के कागजात भिजवा दीजिएगा। कल को तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करो, तुम निकाह नामा लेकर कोर्ट जाकर मुझ पर अनरीजनेबल डिमांड्स कर सकती हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि हमारा निकाह किन टर्म्स पर हुआ था। इस कॉन्ट्रैक्ट का एक भी क्लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं मुझे, क्योंकि मेरा अल्लाह मेरी इंटेंशन जानता है, उससे मुझे प्रोटेक्ट करना है। इस कॉन्ट्रैक्ट में इतना फ्रूट क्यों लिया है? क्यों नहीं, अभी तो सिर्फ लेकर आया हूँ। मेरा बस चले तो तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, और फिर तुमसे एक रिक्वेस्ट करूं? श्योर। देन यहां मत आया करो। क्यों? पहले की बात और थी ज़ैन, अब हालात मुख्तलिफ हैं। मेरा निकाह हुआ है। उसका तुम अच्छी तरह से जानती हो, मेरी नजर में इस निकाह की कोई हैसियत नहीं है। लोगों की नजर में तो है ना, लोगों की नजर में मैं शादीशुदा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्या मतलब? अजान साहब का यहाँ आना जाना नहीं है, तुम इस तरह यहाँ आओगे तो मोहल्ले वालों की नजर में आओगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे किरदार पे उंगलियां उठें, मैं नहीं चाहती कि अम्मा की नेक नामी पे कोई बात करे, समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ गया। लोग ना हकीकत जानने की कोशिश ही नहीं करते, उसी पे यकीन करते हैं जो उन्हें नजर आता है। I can totally understand. और उसका तुम्हारी इज्जत मुझे अपनी इज्जत से कहीं बढ़कर है। तुम फिक्र ना करो, मैं अब वापस नहीं आऊंगा जब तक तुम नहीं चाहती। थैंक यू। मगर फोन पर तो बात कर सकता हूँ? हाँ। चलो ठीक है, अब तुम्हारी बातों का ही सहारा रहेगा। मगर एक बात कहूँ, अब मैं जब तक तुम्हें देख नहीं लेता ना, मेरा वक्त नहीं करता।